हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बेसिक यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ये जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये बेसिक टर्म बीटेक और डिप्लोमा में काफ़ी बहुत ही यही टर्म यूज़ होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीटर से। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। अगर हमने 1 mm निकालना हो तो किसके कितने मीटर के बराबर होता है? 1/1000 इज इक्वल टू 0.001 मीटर। 1 mm इज इक्वल टू 0.001 मीटर। और 1 inch इज इक्वल टू होता है 25.4 mm। और 1 joule इज इक्वल टू होता है 1 newton meter। 1 newton meter होता है 1 joule के इक्वल। ठीक है, अगर हमने मीटर को, ये बेसिक टर्म न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर हमने मीटर को mm में कन्वर्ट करना है। मीटर एक बड़ी रकम है और mm एक छोटी रकम है। अगर हमने बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मीटर को mm में कन्वर्ट करना है। mm, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm। अगर हमने बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करना है, mm में, मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम छोटी चीज़ mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं और इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अगर हमने बड़ी चीज़ को मीटर को छोटी चीज़ mm में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे विद 1000। अगर हमने छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ से भी चीज़ में कन्वर्ट करना है, उसे हम उस टाइम हम उसे डिवाइड करते हैं। अगर हमने मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। कोई भी बड़ी चीज़ होगी, जैसे हमने किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है। किलो जूल एक बड़ी रकम है और जूल एक छोटी रकम है। उस टाइम हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अगर हमने जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे उस रकम को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, अगर हमने 2 मीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? मीटर एक बड़ी रकम है, अगर हमने उसे mm में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम 1000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2000 mm। अगर हमने 2000 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, 2000 mm एक छोटी रकम है, अगर हमने बड़ी रकम में कन्वर्ट करना है तो उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रकम आ गई? 2 मीटर। दिस इज़ बेसिक और वेरी इजी स्टेप विच इज़ यूज इन अवर डिप्लोमा एंड बीटेक व्हेन यू सोल्व योर न्यूमेरिकल्स। और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 newton per meter square। और मेगा किसके बराबर होता है? 1 mega होता है 10^6, और गीगा होता है 10^9। इसकी भी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ये टर्म भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यूज़ होती है। अगर हमने 20 मेगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 20 मेगा पास्कल को करना है तो हम 20 को ऐसे लिख लेंगे, और मेगा क्या होता है? 10^6 ऐसे लिख लिया। पास्कल किसके इक्वल होता है? 1 newton per meter square, इसे भी ऐसे लिख लिया। अगर हमने इसे न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अगर हमने मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? बड़ी रकम है, इसे छोटी में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 times 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर मीटर में स्केयर है, इसलिए हमने 2 times 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इसलिए हमारे पास आ जाएगी 20 newton per mm square। अगर हमने फिर से 20 newton per mm square को 1 newton per meter square में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मीटर एक क्या है? mm एक स्मॉल रकम है और मीटर एक लार्ज रकम है। अगर हमने स्मॉल से लार्ज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने 1 mm को 2 times 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर स्केयर है। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर आ जाएगा,
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं, 10⁶ इज इक्वल टू मेगा, इसलिए हमने इसे मेगा लिख दिया। ये आ गया 20 MPa। सेम इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, पास्कल और मेगा और गीगा को भी हम इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक और ज़्यादा बेसिक टर्म जो यूज़ होती है, डिग्री और रेडियंस। बेसिकली हम न्यूमेरिकल रेडियंस में सोल्व करते हैं, उस टाइम हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। अगर हमने 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम 1 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 0.25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 0.25 × π/180 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00436 रेडियंस। अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हम उसे इन्वर्स करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0.00436 को हमने 180 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू 0.25 डिग्री। देखे जैसे इस तरह से हम बेसिक यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैं इस प्रकार की और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।